सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। भले ही सरकार की बजटीय प्रावधान के चलते नगर निगम में थोड़ी बहुत कमी दिखाई पड़े, मगर भाजपा की तीसरी सरकार के मुख्य चेहरे की कार्यतालिका दिखाई पड़ने लगी है। आस्था के महापर्व पर खरीदारी करने उमड़ने वाली भीड़ से अस्त व्यस्त होने वाले शहर के मुख्य बाजार और सड़कों पर जाम से निजात दिलाने का उपाय ढूंढ निकाला गया। मेदिनीनगर के महापौर अरुणा शंकर के निर्देश पर नगर निगम की ओर से छठ पर्व की सामग्री बेचने के लिए शिवाजी मैदान में मुफ्त का स्टॉल दुकानदारों को उपलब्ध कराया गया। इतना ही नहीं, जो सड़कों पर बैठकर बेचते थे उनका भी ख्याल रखते हुए शिवाजी मैदान स्थित छठ मार्केट में स्थान मुहैया कराया गया है, जहां सीजनली मार्केट खुलने की परंपरा के शुभारंभ के रूप में देखा भी जा रहा है, जिसे मुख्य बाजार पर आवागमन और हर दिन के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़े। ये बातें इसलिए भी कही जा रही है कि मेयर के निर्देश पर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव की ओर से सभी फुटकर दुकानदारों को मुफ्त कंबल भी मुहैया कराया गया, ताकि रात को उन्हें ठहरना हो तो ठंड में परेशानी न हो। पूरी व्यवस्था को देखते हुए जहां नगर निगम की कार्यतालिका की सराहना की जा रही है, वहीं व्यवसायियों के लिए हितकर कदम लगातार उठा रही पहली व्यापार क्षेत्र को सुगम सुलभ विस्तारित बना रही है। जैसा कि छठ के पर्व में आप देखते हैं कि महिलाओं को बाजार में सामान की खरीदारी करने में काफ़ी, क्योंकि अस्त व्यस्त बाजार मिलता है उनको, और उस अस्त व्यस्त बाजार में उनको खरीदारी करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि छठ जैसे महान पर्व में काफ़ी छोटे छठ के पूजा सामग्री की आवश्यकता को देखते हुए, तो इस तरह से उनको, चूंकि अंदर शहर के अंदर कहीं जगह तो मिलती नहीं है, तो उनको काफ़ी फुटपाथ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए अपने दुकान को चलाना पड़ता है, ठीक है ना। इसको सबको ध्यान में रखते हुए और इस सब इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करते हुए निगम ने यह, मतलब उनको एक सम्मानजनक, उन छोटे व्यवसायी जो फुटपाथ पर बैठ के अपना कारोबार अपना चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक सम्मानजनक जगह देने का निर्णय लिया है। और साथ ही मतलब ये निर्णय लिया है, और ये वो भी बिना किसी शुल्क के,